रोटेशन इस वक्त मुझे नहीं पता उनकी रोटेशन कैसी चल रही है, जहाँ पे भी जाते हैं किसी ना किसी से फंस जाते हैं वो लोग, तो रोटेशन ही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके प्लेयर सरवाइव नहीं कर पा रहे, और मुझे कोई नहीं दिखता रीज़न कि वो क्यों नहीं खेल पा रहे। गन पावर की कोई कमी नहीं, 4v4 फाइट में कोई कमी नहीं, बट वही है कि प्लेसमेंट पे उतना ऊपर वो नहीं जा पा रहे, प्लेसमेंट पे उतना ऊपर वो जा नहीं पा रहे। प्लेसमेंट इन द सेंस कि वो अपने टीम को सरवाइव करा के, तुम ये सोचो कि आखिरी आखिरी सर्कल में उनका एक एक प्लेयर सरवाइव करता है, तो अगर एक प्लेयर सरवाइव करता है तो भाई बाकी तीनों को भी तो सरवाइव करना पड़ेगा ना। अगर आपको फिनिशेस चाहिए, आपको और ज्यादा आगे जाना है, तो अपने बाकी तीन प्लेयर को भी सरवाइव करा के आपको रखना पड़ेगा। तो रोटेशन में कहीं ना कहीं वो मात खा जा रहे, उसके लिए उनको चीजें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी। चीजें पढ़ने से मेरा मतलब है कि उन्हें देखना पड़ेगा कि जहां से वो रोटेट कर रहे हैं कितनी टीम वहां पे रहेगी, कितनी टीम वहां से किस टाइम पे रोटेट कर सकती है। आई थिंक थिंग्स वेंट रॉन्ग फॉर गॉटल व्हेन स्टार्ट पैसिव गेम प्ले। ऐसा नहीं है, उनसे हम लोग पहले भी बोले, उनका जो नॉर्मल गेम प्ले उसके अलावा अगर वो कुछ और खेलने का है, काम करते हैं, तो फिर इश्यूज होते हैं। बट सेम फॉर जी टीम एक्सपा गॉड लाइक, आज के दिन पे वो एग्रेसिव जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भी गए तो भी वो यहीं रहेंगे, और गए तो क्या पता वो टॉप 10 के अंदर पहुंच जाए। तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि भाई वो लोग करें, ठीक है, घुस घुस के मारें, खासकर गॉडलाइक। गॉडलाइक का जो घुस घुस के मारना रहता था, वो घुस घुस के वो मारें, बस वही सेम चीज रहेगा आज के दिन पर। अगर वो घुस घुस के मारते हैं तो मैं मान सकता हूँ कि अभी भी टॉप 10 में तो वो आराम से जा सकते हैं, 44-62, अरे आराम से पहुंच जाएंगे रे। तो बस वही है कि घुस घुस के जितना मार पाओ मार दो आज के दिन पे, क्योंकि अगर कर दिया तो भाई बहुत ऊपर जाएंगे। Thank you.